बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो सीईओ हैं आदम अमीन चौधरी, जिनको पाकिस्तानी आवाम से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके को फाउंडर फैसल अयूब बंगेश और स्पोक्स पर्सन जमाल खान। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मालिक आदम अमीन चौधरी ने एक फतवा लिया था दारुल उलूम हकानिया का, और उसकी एक ब्रांच थी जिसका नाम था जामिया मुहम्मदिया, और उनके जो मुफ्ती थे मुफ्ती एहसानुल हक और उनके जो असिस्टेंट है काजी मोहम्मद यासिर, इनको इन्होंने अपना शरिया एडवाइज़र भी मुकर्रर किया था। लेकिन आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ मुफ्ती एहसानुल हक का, पहले वो आप वीडियो बयान उनका सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट यानी APP की कंपनी के नाम पर जो हमारे पाकिस्तान में कंपनी है, हमारा नाम बमा तस्वीर उन्होंने वेबसाइट पर दिया है, और हमें यानी मुझे और मेरे साथ दूसरा साथी है काजी मोहम्मद यासिर साहब, उसको मुझे शरी एडवाइज़र और उसको नायब एडवाइज़र शो किया है। तो ना हम उसके शरी एडवाइज़र हैं, ना हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई एग्रीमेंट हमने उसके साथ किया है, और जो ये शरी के खिलाफ जो भी काम करता हो वो ये करेंसी का हो या इसके अलावा और जो भी काम हो, तो उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना हमने कोई इजाज़त दिया है, ना फतवा दिया है, और ना ऐसा कोई गलत काम हम कर सकते हैं कि शरीयत के खिलाफ कोई काम करता हो और हम उसको जो है ना जवाब के फतवा दे दें। नाज़रीन, आपने जामिया मोहम्मदिया के जो मुफ्ती हैं उनका आपने वीडियो बयान सुना, ये एक छोटा सा क्लिप है, आगे प्रोग्राम में मज़ीद मैं आपको इनका फुल वीडियो बयान भी सुनाऊंगा। मेरी कुछ ज़राए से उन तक अप्रोच की गई थी, और मैं मालूम करना चाह रहा था कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जिनके कारोबार तो हवाओं में हैं, लेकिन वो दावे करते हैं उनको पाकिस्तानी आवाम से प्यार है, पाकिस्तानी आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो इस मुल्क में आए हैं, ड्यूल नेशनल हैं, लेकिन उनको इस कदर पाकिस्तानी आवाम से प्यार है कि पाकिस्तानी इदारों की वो परवाह नहीं कर रहे, पाकिस्तानी इदारों के सामने वो पेश नहीं हो रहे। 6 मार्च को उन्होंने वीडियो बयान में ये इतराफ़ किया था कि उनको नैब का नोटिस मौसूल हुआ, वो नैब के सामने पेश होंगे, लेकिन अभी तक आदम अमीन चौधरी नैब के सामने पेश नहीं हुए। आदम अमीन चौधरी दावे तो बहुत बड़े करते हैं, उनके को फाउंडर फैसल अयूब बंगेश भी दावे तो बहुत बड़े करते हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है जमाल खान, माजी में वो इन्हीं कंपनीज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन अब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के पे रोल पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों जो अफराद थे वो रुपोश हो चुके हैं। सिर्फ वीडियो बयान हर दूसरे तीसरे दिन वो जारी कर देते हैं ताकि आवाम को तसल्ली रहे। जिस तरह माजी में कई कंपनियां आई उनके मालकान फरार हो गए, जैसे लासानी चिक्स वाले, उनके मालिक अनीसुरहमान को टिकटॉकर बनने का शौक़ है, टिकटॉक पर वो वीडियो अपलोड करते हैं, इसी तरह आदम अमीन चौधरी YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं। नाज़रीन, आदम अमीन चौधरी बहुत ज़्यादा दर्स देते हैं, तो आप जो दर्स देते हैं, आपने एक कारोबार शुरू किया और उस कारोबार के लिए आपने मुफ्ती साहिबान के साथ भी झूठ का सहारा लिया। माजी में जब मुजारबा स्कैंडल आया तो नाज़रीन आपको पता है कि उस टाइम भी जो मुजारबा स्कैंडल के मेन करता दरता थे, उन्होंने रकम बटोरने के लिए उन्होंने मुफ्ती साहिबान का सहारा लिया और उनको भी सब्ज़ बाग दिखाए। लेकिन क्योंकि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो मुफ्ती एहसानुल हक है उनका छोटा सा क्लिप मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन सबसे अहम बात नाज़रीन के मुफ्ती एहसानुल हक ने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मालिक हैं आदम अमीन चौधरी, उनसे लातल्की का ऐलान कर दिया, और उन्होंने रिटर्न भी दे दिया है, और उनका यह कहना था कि आदम अमीन चौधरी उनके पास ज़रूर आए, और उन्होंने कहा कि हमें फतवा लेना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे ये APP जो कंपनी है, इस कंपनी वाले जो बड़े हैं आदम अमीन नाम है वो, और उसके और भी रुफका साथ, दो तीन साथी और भी साथ उनके पास थे, हमारे पास हमारे मदरसे में आए, और उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें फतवा दे रहे, हम एक कारोबार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये कारोबार शरीयत के मुताबिक हो। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कारोबार करते हैं, उन्होंने बोला रियल स्टेट करते हैं और आल
आल करेंसी का, यानी उन्होंने हमें करेंसी का नाम लिया कि हम करेंसी का काम करते हैं। मैंने उसको कहा कि ये हमारा मदरसा और हम तो बहुत छोटे हैं और हमारे बड़े हैं, जामिया उस्मानिया हमारे साथ है, दारुल उलूम हक्कानिया है, आप हजरात ऐसा करें कि उनके पास चले जाएं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ एक साथी था हमारे गांव का, उसने इसरार किया कि हमारा तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनको जानते नहीं, ना हमें जानते हैं, आप बराए करम अगर आप हमारे साथ हो जाए और मुफ्ती साहब से दारुल उलूम हक्कानिया जामिया उस्मानिया जिससे भी हो कोई टेम कोई किसी मुफ्ती साहब से ले ले, अब आप हमारे साथ चले जाएं और ये मदद हमारे यानी तावन हमारे साथ कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उसको कहा हमारे साथ दूसरा जो हमारे मदरसे का मदरस है हमारे गांव का काजी मोहम्मद यासर साहब ये भी मौजूद थे, तो उसने बोला ठीक है ये कोई मसला नहीं है। तो हमने फिर मुफ्ती साहब के साथ दारुल उलूम हक्कानिया राबता किया, फिर उन्होंने हमें टेम दिया कि आप जो है उस टाइम पर आ जाए, दिन भी बता दिया टाइम भी बता दिया। तो उस टाइम पर उस दिन पर हम उस वहाँ पर वो ये कंपनी वाले भी आ गए, हम भी चले गए वहाँ पर। उन्होंने फिर वो दारुल उलूम हक्कानिया दारुल इफ्ता में उन्होंने वो मुफ्ती हजरत के साथ मुलाकात किया और मुफ्ती हजरत ने फिर उनसे पूछा सवालात किया कंपनी के बारे में कि आप लोग ये जो कंपनी चलाते हैं तो किस तरीके से चलाते हैं, क्या कारोबार करते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, कहा कि हम रियल स्टेट के कारोबार करते हैं कि उसमें प्रॉपर्टी आता है, होटल आता है, पंप आता है, ये सारे बातें उन्होंने की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने पता कि हम आल करेंसी का कारोबार करते हैं, फिर करेंसी के हवाले से भी मुफ्ती साहब ने उनसे बहुत सवालात किए। एक सूरत उन्होंने बताई कि हम जो कारोबार करते हैं तो वहाँ पर हमारा अकाउंट है या भी अकाउंट है, हम डॉलर खरीदते हैं वो डॉलर हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और हम हमारे अकाउंट से भी उनके पैसे चले जाते हैं। ये बातें हमारे सामने पुश्तों में भी हुई और उर्दू में भी मुफ्ती साहब के साथ ये गुफ्तगू हुआ। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने उनसे पूरा कागजात तलब किए कि आप लोग मुझे ये सब बातें लिख कर दे दें और जो आपके पास लाइसेंस है जिन इदारों ने आप लोगों को इजाज़त दिया है कंपनी चलाने का उनके वो पूरा जितने भी कागजात है पूरे के पूरे कागजात वो मेरे पास भिजवा दें। फिर उन्होंने दो तीन चार दिन के अंदर वो फाइल तैयार कर दिया, वो फाइल फिर उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया वहाँ भेज दिया और उधर मुफ्ती साहब ने उसका फिर स्टडी किया होगा। तीन चार दिन के बाद जो है ना उसने फिर एक फतवा जारी कर दिया, एक लिखाई किया कि इस तरीके से अगर वो कारोबार करता हो रियल स्टेट का या करेंसी का तो ये जायज़ है। और फिर और भी बातें फतवा में मौजूद है, बहरहाल जो फतवा पढ़ना चाहता हो तो पढ़ ले देख ले वो बातें। मुफ्ती साहब ने फिर चंद दिन के बाद तकरीबन चार पाँच दिन गुजर गए तो फिर मेरे पास फिर आ गए, तो वो हमारे गांव का एक साथी था वो भी साथ था, उन्होंने कहा कि यार ये इसमें अरबी के अल्फाज हैं और ये अरबी के अल्फाज अगर आप हमें अपने मदरसे के पैड पर आप उर्दू में लिख लें तर्जुमा कर लें इन फतवे का तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमने उसको लिख कर दे दिया, वही बातें हैं जो दारुल उलूम हक्कानिया ने जो दिया है, अलबत्त उसमें अरबी के जो बाए और मुश्तरी जो अल्फाज थे वो मैंने उर्दू में लिख लिए। और मैंने फिर वो नंबर भी उन्होंने मेरा नंबर उसके पास था, मेरा नंबर तो वहाँ पर बार मदरसे की दीवार पर भी लिखा हुआ है, तो उन्हें मेरा नंबर भी दे दिया। ये बातें जो थी वो तो फतवे के मुतालिक ये तो बात चली गई, ये लोग फिर चले गए। तकरीबन महीना गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए तो फिर एक साथी हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि यार देखो हम उलमा लेते हैं तो उलमा हम अपनी कंपनी में वो इंग्लिश के अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, बहरहाल मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं और ना मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश, लेकिन उन्होंने बोला कि हम ऐसे उलमा एक चंद उलमा लेते हैं पाकिस्तान में को जो भी हम कोई कारोबार करें तो हम उसके मशावरत से कारोबार करेंगे, जो कारोबार शुरू करेंगे या कोई भी बात हो तो हम हमारे साथ एक टीम होगा उलमा का तो हम उनके ज़ेर निगरानी ये अपने कारोबार को कंपनी को चलाएँगे। फिर उन्होंने हमने बोला ठीक है अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमसे तस्वीर लिया फिर जो है ना तस्वीर के बाद फिर उस उन्होंने जो है ना आम मीडिया पे भी मोबाइल पर मीडिया पर भी दे दिया, लेकिन हमारा उसके साथ ना कोई एग्रीमेंट हुआ है ना कोई हमने दरख्वास्त दिया है ना उन्होंने जो कारोबार शुरू किए हैं जो फॉरेक्स के जो कारोबार करते हैं या हमने ये सुना है कि शीशा हम जानते भी नहीं शीशा क्या है, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ जो कारोबार भी उन्होंने शुरू किया है या करते हैं या उससे पहले करते हो या इसके अलावा हटकर और कोई करता हो तो हम शरीयत के खिलाफ जो भी काम हो
और जहां भी हो और जो भी करता हो ना उसके हम तायीद करते हैं, ना हम किसी को बताते हैं, ना किसी को हमने बताया है। हम तो उलमा दीन, हमारी जिम्मेदारी है, कोई आदमी हमारे पास आ जाए दीन का मसला पूछना चाहे हम उनको बताते हैं। तो ये जो बात है, अभी ये एपीपी वाले ने हमारा जो तस्वीर शाया किया है कि हमारे जो टीम है उस टीम के अफराद हैं, तो हम उस टीम के अफराद इसलिए नहीं है कि ना हमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है, ना हम इस्लामाबाद गए हैं, ना उनका दफ्तर अभी तक देखा है, यही हकानिया तक उनके पास गए हैं। और हकानिया ये फतवे वाले जो ये तावन उनके साथ, हमने ये तावन ही समझो, हम उनके पास गए और ये बातें मुफ्ती साहब के सामने बिठाए और फिर वो फतवा जारी किया है। फतवे के बाद पे हमने उसका तर्जुमा लिखा है। और ये एपीपी कंपनी हमारे साथ जो भाई है काजी मोहम्मद यासर साहब, उसका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि हमारा इस कंपनी के साथ ना कोई नौकरी है, ना कोई हम उसके जो है ना टीम के अफराद हैं, और ना हमने उसके साथ कोई ना हमने दरख्वास्त दिया है, ना एग्रीमेंट किया है, ना हम उनके पास दफ्तर गए इस्लामाबाद, अभी तक देखा भी नहीं कि इस्लामाबाद में इनका दफ्तर कहाँ है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक हो। और फिर ना जायज कामों में तो हमारा किसी के साथ भी ताल्लुक नहीं, ये तो एपीपी है, एपीपी के अलावा और भी जितने कंपनीज हैं और खिलाफ कारोबार करते हैं, खिलाफ शरा कारोबार करते हो, तो हम उसके साथ ना कोई ताउन करते हैं, ना हमारा उसके साथ कोई ताउन है, और ना इंशाल्लाह ताला किसी को गलत बात कहेंगे कि आप गलत बात कर लें। तो बराए करम मेहरबानी हम जो एपीपी के हवाले से जो बात है, तो हमारा उसके साथ कोई ये जो टीम्स की बात है, टीम वाले वर्कर्स बनना, तो हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना हम ऐसे गलत लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती एहसानुल हक साहब का बयान सुन लिया कि देखें ये जो नौसरबाज होते हैं ये कैसे मौलाना साहिबान को भी अंधेरे में रखते हैं और उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। मुफ्ती एहसानुल हक की ज़ुबानी आपने सुना कि वो बता रहे हैं कि आदम अमीन चौधरी उनके पास आए और उनको कहा कि हमारा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, लेकिन बाद में मुफ्ती एहसानुल हक साहब को मालूम हुआ प्रॉपर्टी तो छोड़ें, ये तो शीशे का कारोबार कर रहे हैं, करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। अब ये देख लें नाज़रीन के हमने आपको असल चेहरा आदम अमीन चौधरी का दिखा दिया है कि कैसे उन्होंने मुफ्ती साहिबान को अंधेरे में रख कर और उनकी मासूमियत का नजायज़ फ़ायदा उठाया, भेजा कुछ गया लेकिन कारोबार कुछ है। आदम अमीन चौधरी दावा करते हैं कि वो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार भी कहाँ कर रहे हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में। और ये वो कट्टा चट्टा था, यानी कि एक नया पंडोरा बॉक्स आपके सामने हमने पेश कर दिया है। अब देख लें कि मुफ्ती एहसानुल हक और उनके जो असिस्टेंट हैं जिनको काजी मोहम्मद यासर को इन्होंने शरिया बोर्ड का मेंबर बनाया था, उन्होंने लातलकी का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब आदम अमीन चौधरी अभी तक रुपोश है, नैब की जानिब से जो नोटिस मौसूल हुए हैं उसके बावजूद आदम अमीन चौधरी पाकिस्तानी इदारों का सामना नहीं कर रहे, सिर्फ बयान दाखते हैं कि उनको पाकिस्तानी अवाम से प्यार है। आपने मुफ्ती साहिबान को अंधेरे में रख कर एक फतवा तो लिया, लेकिन आज आपको हमने उस फतवे की असल हैसियत भी दिखा दी कि कैसे मुफ्ती एहसानुल हक साहब बयान कर रहे हैं कि आपने उनको भी अंधेरे में रखा। आप कभी गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीर बना रहे होते हैं, कभी किस सियासतदान के साथ आप तस्वीर बना रहे होते हैं, ये नुसरबाजों का एक टोला सियासतदानों के साथ इसी तरह तस्वीरें बनाकर यह जाहिर करना चाहता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। जैसे आपने अनीसुर रहमान की तस्वीर भी देखी हैं, फैजुल हसन चौहान के अलावा दीगर कई सियासतदानों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नशर हुई और उसके बाद आवाम ने आंधों की तरह इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अनीसुर रहमान भी फरार हो गए और अब आदम अमीन चौधरी भी रुपोश हैं और लगता यही है कि वो किसी तरीके से बैरून मुल्क फरार होना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।